ओशियन गेट की टाइटन सबमरीन ने अपना सफर कनाडा की सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। जिस लोकेशन पे इसको ओशियन के अंदर डाइव करना था, ये सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में वाकई है और इसी जगह पे ओशियन के गहरे और ठंडे पानी में टाइटैनिक का शिपरेक भी मौजूद है। सैटरडे 17 जून 2023 को ये सफर शुरू किया गया और प्लेन के मुताबिक अगले दिन संडे को सुबह 8 बजे टाइटन को उतारा जाना था। यहाँ पर एक बात जाना जरूरी है कि इसके अंदर मसला नोटिस किया गया था। अपनी जाने दांव पर लगाकर इसको ओशन के अंदर उतारा गया। इस सफर में टोटल 5 लोग मौजूद थे, यानी एक्शन एविएशन के फाउंडर हार्नेश हार्डन भी मौजूद थे, जिसने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रेवल किया था। दूसरे नंबर पर स्टॉकटन रश, जो ओशन गेट के CEO भी थे। ये अमेरिकन कंपनी ओशन टूरिज्म के लिए सबमर्सिबल फराम किया करते थे। तीसरे नंबर पर 77 साल पॉल हेनरी थे, जिसने पहले भी टाइटैनिक को विजिट किया था। ये शिपरेक के एक्सपर्ट थे, जिसको टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स की काफी नॉलेज थी। और आखिर में पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद और अपने बेटे सुलेमान दाऊद के साथ ही सबमरीन का हिस्सा थे। 17 जून को डाइव करने से पहले हार्नेश हार्डे ने इंटरनेट पर अपना आखिरी पोस्ट किया था। उनका कहना था कि शदीद सर्द मौसम की वजह से उनकी डाइव डिले हो गई है। कल सुबह को जब थोड़े वक्त के लिए मौसम बेहतर होगा तो हम डाइव कर जाएंगे। ये 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए मशहूर जमाना टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए जा रहे थे। 1912 में डूबने के बाद अगले कई सालों तक तलाश करने की कोशिशें जारी रहीं, लेकिन अटलांटिक ओशन की हार्श कंडीशंस के बायस ये काम इतना आसान नहीं था। फिर 1985 में जाकर आखिरकार ओशन फ्लोर पर RMS टाइटैनिक का मलबा मिल ही गया। टाइटैनिक अपने पीछे इतने सवाल छोड़ गई थी कि अब इनके जवाब तलाश करने का वक्त आ चुका था। कई एक्सपीडिशंस अरेंज किए गए, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने टाइटैनिक शिपरेक का रुख किया। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरून ने 1995 में टाइटैनिक के मलबे के दर्जनों दौरे किए और फिर 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज की गई। रही सही कसर टाइटैनिक मूवी ने पूरी कर दी। इसने इतनी धूम मचा दी कि टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए करोड़ों लोगों का ख्वाब बन गया। यानी ये काम अब सिर्फ रिसर्च के मकसद तक ही नहीं, बल्कि शिपरेक साइट पर टूरिस्ट भी जाना शुरू हो गए। कहा जाता है कि ओशन की गहराई तक जाना स्पेस में जाने से भी ज्यादा मुश्किल होता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पानी का प्रेशर। टाइटैनिक शिपरेक समंदर की सतह में 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे है। इस गहराई को अगर इमेजिन करना हो तो आप बुर्ज खलीफा को देखें और समझ लें कि टाइटैनिक का मलबा समंदर में करीब 5 टाइम्स बुर्ज खलीफा की हाइट जितना नीचे है। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 PSI होता है। ये इतना ही प्रेशर होगा कि इंसान के पूरे जिस्म पे नहीं, बल्कि सिर्फ 1 स्क्वायर इंच के हिस्से पर एक पूरा हाथी खड़ा कर दिया जाए। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि एक सबमरीन में कितने स्क्वायर इंच होंगे और उस पर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता होगा। खैर, 18 जून 2023 दोपहर को 12 बजे सबमरीन का सफर स्टार्ट हुआ। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटे 45 मिनटों बाद ही मदरशिप पोलर प्रिंस, जो कि ऊपर वेट कर रही थी, उनका सबमरीन से रब्ता टूट गया। अगर 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने में लगने थे तो सिर्फ 15 मिनट पहले रब्ता टूटने का मतलब ये कि सबमरीन टाइटैनिक के काफी करीब पहुंची चुकी होगी। समंदर की इस गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन है और यहाँ हर वक्त इंतहाई सख्त अंधेरा होता है। इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल्स का टूटना एक नॉर्मल बात होती है, लिहाजा पहले इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया। ये पूरा ट्रिप टोटल 7 घंटों का था। 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक इनको वापस लौटना था, लेकिन जब शाम 7 बजे भी टाइटन से कोई रब्ता न हुआ, ना ही वो वापस लौटी, तो ऊपर खड़ी मदरशिप में मौजूद क्रू के पसीने छूटना शुरू हो गए। पोलर प्रिंस ने टाइटन की तलाश शुरू कर दी। 9:40 में उन्होंने US कोस्ट गार्ड से रब्ता करके मदद तलब की। अगले दिन मंडे को US और कैनेडियन शिप्स और प्लेन्स ने पूरे एरिया में एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने समंदर की सिर्फ सतह पर ही नहीं, बल्कि सोनार स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी अपनी
तलाश जारी रखी। इस एरिया में जो कमर्शियल वेसल्स थी उनको भी ऑर्डर दिया गया कि वो अपनी आंखें खुली रखें। अगले दो दिनों तक ये तलाश जारी रही लेकिन टाइटन का कोई अत्ता पता न चल सका। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण नजर आई। वेडनेसडे 21 जून को सुबह 6 बजे सर्च टीम को पानी की गहराइयों में से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें अंडर वाटर रेडार की मदद से सुनी गई थी। फौरन आरओवीज को आवाज की डायरेक्शन में भेजा गया लेकिन इस बार भी टाइटन की कोई खबर ना मिल सकी। अब टाइटन को खोदने का डर हमेशा हमेशा के लिए बढ़ता जा रहा था क्योंकि इसमें जितना ऑक्सीजन था वो सिर्फ 96 घंटे या फिर 4 दिनों तक का था और इस वक्त तक 4 दिनों में से 3 दिन गुजर चुके थे। लेकिन यूएस, कनाडा और फ्रांस की सर्च टीम्स ने हिम्मत नहीं हारी। थर्सडे 22 जून को दोपहर 12 बजे आरओवीज को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर जो देखा गया वो वाकई दिल दिला देने वाला मंजर था। 3:48 PM पर आरओवी जो कि टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंच चुकी थी उसने टाइटन के दूम का एक हिस्सा टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट दूर पड़ा हुआ देखा। जो देखने गई थी टाइटैनिक के मलबे को अब उसका मलबा पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गया। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी और समंदर की गहराइयों में फट गई। इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। ओशन गेट की सेफ्टी पर कई सवाल खड़े किए जाने लगे। ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश जो कि खुद इस वाकये में अपनी जान गंवा बैठे हैं उन्होंने 2021 में कहा था कि वो जानते हैं कि उन्होंने टाइटन को बनाते वक्त कुछ रूल्स तोड़े हैं क्योंकि उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि कार्बन फाइबर से बनाया है पर वो इस इंडस्ट्री में कुछ नई इनोवेशन करना चाहते थे तभी स्टील को रिप्लेस करके कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था। पहली बार टाइटन को लॉन्च से पहले 5,000 से 10,000 PSI के प्रेशर पे टेस्ट भी किया गया जिसमें वो पास हो गई थी पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओशन के अंदर हजारों किस्म की ताकतें सबमरीन पर पड़ती हैं जिसमें ना सिर्फ प्रेशर बल्कि पानी का बहाव भी होता है जो कि लहरों की वजह से पैदा होता है। इसके अलावा अंधेरे की वजह से ये भी हो सकता है कि कोई भारी पत्थर या फिर समंदरी मखलूक सबमरीन से टकराई हो। कुछ भी हो टाइटन की तबाही की एक वजह तो इसका कार्बन फाइबर का हल था लेकिन दूसरी वजह इसमें पहले से ही क्रैक्स मौजूद। ये टाइटन 2019 में कार्ल स्टर्ल नामी एक बिजनेसमैन को भी लेकर गई थी पर उस वक्त भी उसको ओशन गेट के CEO ऑपरेट कर रहे थे। कार्ल ने कहा कि उस सफर के दौरान जब वो नीचे जा रहे थे तो उनको टाइटन की बॉडी में से क्रैकिंग की आवाज सुनाई दी। उस वक्त उन्होंने उस आवाज पर ज्यादा गौर नहीं किया क्योंकि उनको ओशन गेट के CEO जिन्होंने खुद ये सबमरीन डिजाइन की थी उन पर पूरा भरोसा था। लेकिन इस हादसे के बाद उन्होंने CNN को बताया कि शायद वो आवाज उस बात की वार्निंग थी कि टाइटन की बॉडी पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अगर ये बात सच है तो इसमें कोई शक नहीं कि टाइटन की बॉडी में क्रैक्स पड़ना पहले से ही शुरू हो गए थे। 2018 में ओशन गेट के एक एग्जीक्यूटिव ने टाइटन की कार्बन फाइबर बॉडी के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका कहना था कि ये मसला सबमरीन के फटने से सिर्फ चंद मिली सेकंड पहले पड़ेगा और हकीकत में ऐसा ही हुआ। जिस गहराई में टाइटन फटी ये एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसको फटने में सिर्फ 0.3 सेकंड्स लगे हुए होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अगली शानदार वीडियो में।